जापान में धान की फसल में अचानक कुछ पौधे असामान्य रूप से लंबे हो गए। इस धान के रोग को बैंगनी रोग का नाम दिया गया, अर्थात बैंगनी रोग धान का एक इस प्रकार का रोग है जिसमें धान की फसल में से कुछ पौधे असामान्य रूप से लंबे हो गए। होरी ने रोग से ग्रसित ऐसे पौधों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ये पौधे लंबे व पतले होते हैं तथा इनमें पुष्प, फल और बीज नहीं बनते। इस प्रकार के जो पादप हैं उन पादपों को बेवकूफ नवोद्भेद नाम दिया गया। बाद में देखा गया कि इस रोग का जो प्रमुख कारण है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक है। कुरोसावा ने सबसे पहले यह बताया कि इस कवक के रस को स्वस्थ पादप पर यदि छिड़क दिया जाता है तो धान का वह स्वस्थ पादप भी रोग ग्रसित हो जाता है, अर्थात बैंगनी रोग से ग्रसित हो जाता है। यातुबा और हयासी ने सबसे पहले इसे क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया तथा इसका नाम जिब्रेलिन दिया। कवक व पादपों से आजकल 100 से भी अधिक जिब्रेलिन प्राप्त किए जा चुके हैं जिन्हें GA1, GA2, GA3 तथा GA100 नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से पौधों में GA3 जिब्रेलिन सबसे अधिक पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह एक जिब्रेलिक अम्ल होता है जिसमें एक गिब्बन वलय होती है। कुछ गिब्बन वलय में 19 कार्बन होते हैं तथा कुछ गिब्बन वलय में 20 कार्बन होते हैं। यहाँ पर एक रोजेट पादप को दिखाया गया है। यदि इस रोजेट पादप पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो यह असामान्य रूप से लंबा हो जाता है। जिब्रेलिन के कार्य, जिब्रेलिन के प्रमुख कार्य निम्न है। पर्व दीर्घन, यह हार्मोन पर्वों की लंबाई को बढ़ा देता है तथा पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है। दूसरा कार्य बीजांकुरण, कुछ फसलों के बीज जल का अवशोषण कर लेते हैं तथा जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं। उनके भ्रूण से जिब्रेलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह जिब्रेलिन हार्मोन एल्यूरॉन परत में विसरित हो जाता है जिसके फलस्वरूप अल्फा एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज आदि एंजाइमों का स्रावण होता है। ये एंजाइम बीज में खाद्य पदार्थों का विघटन कर देते हैं जिसके फलस्वरूप जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वह अंकुरित होते हुए बीजों के काम में आ जाते हैं। इस प्रकार से जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में भी सहायता करता है। तीसरा है प्रसुप्ति भंग करना। जिब्रेलिन हार्मोन का यदि छिड़काव किया जाता है तो पादपों की कलिकाएं
तथा बीजों की प्रसुप्ति भंग हो जाती है, अर्थात कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं और बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। चौथा है पुष्पन, यह हार्मोन दीप्तिकालिता के प्रभाव को कम कर देता है जिससे पौधों में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अनिषेक फलन, ऑक्सिन की तुलना में जिब्रेलिन अधिक प्रभावी होता है, अर्थात जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव यदि अंडाशय पर कर दिया जाता है तो अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो इस प्रकार से जिब्रेलिन हार्मोन पर्वों के दीर्घन में, बीजांकुरण में, प्रसुप्ति को भंग करने में, पुष्पन की क्रिया में और अनिषेक फलन की क्रिया में सहायक होता है।